हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वे ऑप्टिक्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, एक सिंगल रे की बात करते थे। लेकिन अगर मुझे वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करना है तो मुझे सबसे पहले नेचर ऑफ वेव पता होना चाहिए। अब नेचर ऑफ वेव के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है मेरे पास। सबसे पहले जो थ्योरी थी दैट वॉज गिवन बाय न्यूटन। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी वॉज गिवन बाय न्यूटन, ठीक है, विच इज नोन एज न्यूटन्स corpuscular theory. This theory was being given by the Newton in around 1675. Right? According to Newton, जो wave है, means जो light है, light. Light is a stream of particles. Which are massless, and different sizes. And different sizes are responsible for different colors. ये कहता है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ मीन्स स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहे हैं जिनके साइज डिफरेंट है और डिफरेंट साइज उस लाइट के डिफरेंट कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे आप कहते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है आपका रिफ्लेक्शन कॉमा रिफ्रैक्शन and rectilinear propagation, इनको तो बता पाया, लेकिन और फिनोमिनन बहुत सारे हैं लाइट के हमारे पास, उनको नहीं बता पाया। इन तीन फिनोमिनन को बता दिया, लेकिन इंटरफेरेंस भी है, डायफ्रेक्शन भी है, पोलराइजेशन भी है और बहुत सारे, उनको नहीं बता पाया। तो फिर उसके बाद हाइजेंस ने अपनी एक थ्योरी दी, Huygens theory, roughly almost थोड़े से टाइम के बाद ही आ गई थी। उसने कहा ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इट इज ए वेव मोशन, ये वेव है, वेव मोशन है, वेव की तरह चलती है भाई। अब तब तक तो हमें सिर्फ साउंड वेव्स के बारे में पता था और साउंड वेव मेरी मैकेनिकल वेव है। उसने कहा ये भी बिल्कुल उसके सिमिलर है। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि जो लाइट है दैट इज मैकेनिकल वेव। वो कैसी है भाई? मैकेनिकल वेव। अगर मैकेनिकल वेव है तो फिर मीडियम चाहिए। तो उसने ये कहा कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक मीडियम से भरा हुआ है, मीडियम से भरा हुआ है और उस मीडियम का नाम है ईथर मीडियम, which is very light, बहुत डाइल्यूट है, लेकिन इलास्टिसिटी मीडियम की बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने ये पढ़ा 11th क्लास के अंदर, velocity क्या होती है? इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी होती है। इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत डाइल्यूट है, बहुत हल्का है, तो velocity बड़ी आ जाएगी। इसने कहा भी ये है कि भाई क्या है कि वो एक वेव है, राइट, मैकेनिकल वेव है जो एक मीडियम में चल रही है। वो जो मीडियम है दैट इज ईथर मीडियम। आज तक ईथर मीडियम के बारे में कोई एग्जिस्टेंस की बात नहीं हुई। उसके बाद फिर मैक्सवेल ने 1835 में मैक्सवेल ने कहा, नंबर थर्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सॉरी, एक चीज रहेगी बीच में, वो जो आपकी हाइजेंस थी उसने वो क्या कुछ कर पाई आपकी हाइजेंस? हाइजेंस थ्योरी जो है वो आपका वो जो तीन फिनोमेनन थे पहले, वो तो जो आपकी न्यूटन्स भी कर रहा था उनको तो कर पाई, मींस रिफ्लेक्शन कॉमा रिफ्रैक्शन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन
उसके साथ वो इंटरफेरेंस को भी बता पाई, डायफ्रेक्शन को भी बता पाई। लेकिन अभी एक फिनोमेनन रह गया, पोलराइजेशन, इसको ये नहीं बता पाई आपकी कौन सी हाइजेंस थ्योरी, ये नहीं बता पाई पोलराइजेशन। फिर थर्ड मेरे पास क्या है, मैक्सवेल थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने पढ़ा लास्ट चैप्टर, ईएमएफ का पूरा चैप्टर पढ़ा है। मैक्सवेल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑप्टिकल बिहेवियर। यहां से हम सब कुछ बता पाए। फिर अभी यहां से मुझे पार्टिकल नेचर का नहीं पता लगा, वो तो फिर बाद में जाके आइंस्टाइन ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी, वहां पर फिर वो प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वाले, वहां से फिर जाके मेरे पास पार्टिकल नेचर की बात आई। पूरा चैप्टर मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, वो नेक्स्ट चैप्टर मेरा। तो यहां से तो सबसे पहले यह पता लगा कि भाई एक पार्टिकल है, यहां से पता लगा एक वेव मोशन है लेकिन मैकेनिकल वेव मोशन है, यहां से पता लगा कि भी ये मैकेनिकल नहीं है, ये तो वैक्यूम में भी चल सकती है, कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको चलने के लिए, है ये वेव मोशन। अभी पार्टिकल की बात नहीं की हमने यहां तक, पार्टिकल की बात तो नेक्स्ट आगे फिर चल के आपके आइंस्टाइन ने बताया था इन द रेफरेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, और उसने फिर वहां पर आपको क्वांटम मैकेनिक्स का जो यू कैन से सारा हाइपोथेसिस दिए, दैट इज नोन एज द प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ब्लैक फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो वहां से फिर आगे पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। कोई डाउट हो बच्चा कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है कि आज मेरी जो आपका यू कैन से मोशन है मुझे लाइट की, दैट इज ए वेव मोशन, उसकी बात कर रही है। कोई डाउट हो मुझे पढ़ना क्या है, मुझे वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है तो मुझे सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताना चाहिए, वेव, नेचर ऑफ लाइट कि वो वेव है या वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। तो मैंने कहा वो वेव है, तब ये वेव की ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट। Next is wave front। क्योंकि यहां ये जो सारी थ्योरी है आपकी वेव ऑप्टिक्स पर, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी आपने कहा है कोई सोर्स है दैट एमिट्स, वहां से क्या चलेगी, वेव चलेगी। तो वेव तो फिर सोर्स से इधर को भी चलेगी, इधर को भी चलेगी, इधर को भी चलेगी, इधर को भी चलेगी, हर तरफ चलेगी। सो वट इज वेव फ्रंट, लोकस ऑफ all those points of medium which are vibrating in same phase। ठीक है, अब मैंने कहा locus of All those points of medium which are vibrating in same phase, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करूंगा उस समय वो वेव फ्रंट होगा, भी कुछ टाइम के बाद वो नया बनेगा। सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे मैं बात करना चाहता हूं उस इंस्टेंट पे चेक करो कौन कौन से पार्टिकल है जो सेम फेज में मूव कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ये पार्टिकल है यहां पर, ये है, ये भी अप जा रहा 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 है, इन सबको मिला लो, दे आर इन सेम फेज। तो अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स है देन लोकस ऑफ पॉइंट विल बी स्फीयर, अगर मेरे पास कोई रेक्टिलिनियर सोर्स है देन लोकस ऑफ पॉइंट विल बी योर स्फीयर, सॉरी सिलेंड्रिकल, ऐसी आएगा भाई, तो सिलेंड्रिकल आएगा वेव फ्रंट आपका, चेक कर लो विद योर सोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये पॉइंट अलग से अपना सर्कल बना रहा है, वो पॉइंट अलग से सर्कल बना रहा है, नेक्स्ट पॉइंट अलग से, एक पूरा सिलेंडर बन जाए। तो अगर पॉइंट सोर्स है, वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल वेव फ्रंट,
राइट अगर क्या है लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा है सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो जो वेव फ्रंट है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ सोर्स के ऊपर अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है और अगर लीनियर सोर्स है तो आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। अब यही जो धीरे धीरे हम देखते चले हैं इसको और बनाए तो नेक्स्ट जाके ये और बड़ा बन जाएगा कुछ टाइम के बाद ये और बड़ा बन जाएगा अब और टाइम के बाद और बड़ा बनेगा और टाइम के बाद और बड़ा बनेगा। अब इस बड़े वाले का छोटा सा पोर्शन ये तो एक प्लेन वेव फ्रंट है चेक कर लो इस पॉइंट सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्फीयर बन रहे हैं जो स्फीयर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके बना उसका छोटा सा तो प्लेन वेव फ्रंट है तो स्मॉल पोर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट इज ए प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट मेरे पास तीन तरह के हैं। सबसे पहले मैंने कहा पॉइंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है ड्यू टू लीनियर सोर्स मेरे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लार्ज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज नोन एज द प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट जो है आपका यू कैन से स्फेरिकल और मैंने आपके सिलेंड्रिकल से डिराइव किया है निकाला है वहां से कोई डाउट हो जाए तो जो शब्द वेव फ्रंट है उसके बारे में कोई डाउट हो जाए मुझे इससे काम करना है ना बेसिकली आज वेव फ्रंट से मुझे पढ़नी है थ्योरी को वेव फ्रंट से पढ़ना है तो पहले मैंने वेव फ्रंट को डिस्कस ठीक है चलें आगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आपके पास हाइजंस प्रिंसिपल कुछ सिद्धांत हैं भाई हाइजंस के उसके अकॉर्डिंग ये सारी थ्योरी चलती है वेव ऑप्टिक्स की। पहला क्या है भाई पहले तो मैंने कहा कि जो सोर्स है वो एमिट्स करता है रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शंस तो वहां से क्या बनता है वेव फ्रंट बनता है। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट is a source of disturbances वो भी कुछ करेंगे भाई called secondary wavelets इनको secondary wavelets बोलते हैं which travels in all direction with speed of light with speed of light in all direction with speed of light right इसका मतलब मान लो मेरे पास एक ये प्लेन वेव फ्रंट है ये मैंने कहा ये कुछ पॉइंट सपोज कर लिए मैंने उसके ऊपर ये कुछ पॉइंट सपोज कर लिए यहां से डिस्टर्बेंसेस निकलेगी इन ऑल डायरेक्शंस तो भी मैंने कहा कि ये डिस्टर्बेंसेस ये निकाल रहा पॉइंट को मैं दोबारा बाद में मार्क करूंगा पहले मैं सर्कल बना लूं भाई राइट ऐसे ही ये भी निकालेगा ऐसे ही ये भी निकालेगा ऐसे ही ये भी निकालेगा एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये इनको नंबरिंग कर दी मैंने और ये मैंने चेक किया आफ्टर टाइम टी इसकी डिस्टर्बेंसेस पूरे स्फीयर में यहां पहुंच चुकी है इसकी डिस्टर्बेंसेस पूरे स्फीयर में यहां पहुंच चुकी है इसकी यहां इन टाइम टी मान लो स्पीड है लाइट की c इंटू टी तो इसका जो रेडियस है हर एक स्फीयर का वो ct हो जाएगा। मैंने अब चेक किया शुरू में मैं यहां था t इज इक्वल टू जीरो पे जब t इज इक्वल टू टी पे चेक किया तो मेरा ये सिचुएशन आ गई है। नेक्स्ट नंबर टू आउटर एनवेल्प ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स secondary wavelets
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स पोजिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, राइट बेटा जी, एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे बात कर रहे हो आप। मतलब मान लो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट ए बी था पहले, दिस इज योर प्लेन ए बी, अब जो है वो कहां पहुंच गया है टाइम टी पर, वो ए डैश बी डैश पर पहुंच गया है, और टाइम टी पहले कहां था, वो ए डबल डैश बी डबल डैश के ऊपर था, इससे टाइम टी पहले हुआ था। आप चाहो तो इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट भी बना सकते हो इन द सेम वे। तो यहां पर पहले मैं दो स्फीयर बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा फिगर को बनाना मेरे लिए आसान हो जाए। इसके अंदर मैं आपके स्फीयर बना देता हूं पहले, अभी फिर उसके फिर वेव फ्रंट बना दूंगा सारा मैं। ये मान लो मेरा वेव फ्रंट था पहले, दिस इज माय ए बी। तो पहले मान लो मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट था ए बी शो में, टाइम टी पे कहां पहुंच गया वो, ए डैश बी डैश पे पहुंच गया भाई वो। टाइम टी पहले कहां था वो, ए डबल डैश बी डबल डैश पे था वो। ये आपका मींस इस तरह से वेव फ्रंट आगे चलता है लाइट के अंदर, अकॉर्डिंग टू हलचल चल रही है सारी बातें, कोई डाउट हाइजनर के कुछ सिद्धांत हैं जो हाइजनर ने अपनी थ्योरी दी थी उसके कुछ, क्योंकि देखो मैक्सवेल तो ने तो 1800 और ऑलमोस्ट 1860-70 में काम किया था, आई थिंक 65 में काम किया था मैक्सवेल ने, तो उससे पहले तो ये बात ही मान ही रहे थे सारी ये बातें, उससे तो वेव थ्योरी चल रही थी ना पूरी सारी। हाइजनर ने तो बहुत टाइम उसकी थ्योरी ने बहुत टाइम काम किया है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे वेव फ्रंट चलता है, ये उसके दो सिद्धांत है, कोई डाउट नहीं। चलें आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेव थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। वेव थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट बच्चा जी, इसको मुझे डिस्कस करना है कि अगर आप हाइजन के अकॉर्डिंग आप वेव थ्योरी की बात करते हो तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस को कैसे डिस्कस करोगे। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज माय प्लेन मिरर, इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है बच्चा, दिस इज माय प्लेन वेव फ्रंट, तो मैंने उसके अंदर डिफरेंट रेज बना दी, ये रेज बना दी, राइट बच्चा जी, ये रेज बना दी, दिस इज सपोज रे नंबर वन, रे नंबर टू, रे नंबर थ्री। अब यहां तो जो रे पहुंची है, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं इस एंगल आई पे पहुंच गई है और यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, और ऐसे चलेगी भाई वो तो ऐसे चलेगी, कोई डाउट, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो, ठीक बना दी मैंने, बिल्कुल ठीक है। और ये रे अभी पहुंचेगी वहां पर, ये रे अभी पहुंचेगी, इसने पहुंचना है अभी, ठीक है, और जब ये पहुंचेगी तो फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, तो ये और ये रफली पैरेलल होनी चाहिए। ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी ये यहां से, और तो कुछ नहीं, देख लो आपके सामने बन रहा सारा, इसमें कोई यहां तो कोई डाउट हो बेटा, ये रिफ्लेक्ट होके चल पड़ी आगे, इसने यहां से रिफ्लेक्ट होना, ध्यान से देखो ये एंगल आई है, दिस इज 90 माइनस आई, तो ये एंगल आई बन जाएगा बच्चा जी, डबल एंगल, दिस विल बी आई, कोई डाउट। यहां पर फिर एक नॉर्मल प्लॉट करो, ये एंगल आर होगा रिफ्लेक्शन का, ये 90 माइनस क्योंकि इसके ऊपर नाइन, और ये एंगल आर बन जाएगा, चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट। अब वो क्या कहता है, कहता है इसको नेमिंग कर दो, ये ए है सपोज, ये बी है, ये पॉइंट ए डैश, कहता है इसको यहां पहुंचने में कुछ टाइम लगा, ठीक है, और ये इमीडिएटली स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर चल पड़ेगी आगे,
दोनों सेम मीडियम में चल रही हैं, तो जितने टाइम में ये डिस्टेंस चलेगी उस डिस्टेंस को काउंट करो, मीन्स बी ए डैश को काउंट कर लो, और यहां पर ये एक आर्क रख के यहां पर एक क्या करो, कंपास रख के एक आर्क प्लॉट करो और इसको ज्वाइन कर लो. दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड वेव, वो ये कहता है. दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड वेव. क्वेश्चन समझ आ रहा है, मीन्स फिगर समझ आ रही है आपको. ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये स्ट्राइक कर गया, ये यहां के स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर आगे चल पड़ा है. कहता है जितने टाइम में ये यहां पहुंचा है वो डिस्टेंस, क्योंकि सेम मीडियम है तो इसमें टाइम की जरूरत नहीं, सेम डिस्टेंस लो, यहां कंपास रखो, एक आर्क लगाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो, और ये जो ए डैश बी डैश है ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है. कहते लेकिन मैं इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तब मानूंगा अगर आप किसी और पॉइंट की भी बात करो, वहां से अगर रे ऐसे आएगी और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाएगी, ये रे नंबर टू डैश कर दो, ये टू है, दिस इज योर थ्री, तो दिस इज योर वन डैश, दिस इज योर, तब मानूंगा कहता मैं इसको. ठीक है बच्चा जी, तब मानूंगा कहता मैं इसको ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. इस पॉइंट को डी मार्क कर दो, इसको पी मार्क कर दो, इसको डी डैश मार्क कर दो, यहां से एक नॉर्मल प्लॉट करो लाइक दिस, दिस इज एन. ठीक हो गया. कहता है मेरी जॉब क्या है, मेरी जॉब ये है कि भाई आपने कहा जितने जो डिस्टेंस बी ए डैश है अगर वो डी पी प्लस पी डी डैश के बराबर आ जाए तो फिर तो सेम टाइम लगेगा क्योंकि मीडियम सेम है सारा. What is BA dash? BN plus NA dash? BN plus NA dash is equal to DP plus PB dash. Check कर लो बच्चे. हमने ये प्रूव करना है, मैंने कहा ये इसके बराबर है. अब BN और DP तो बराबर है, नॉर्मल प्लॉट किए, ये भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, ये तो बराबर है. अब मेरी जॉब क्या है, एन ए डैश को पी बी डैश के बराबर प्रूव करना, ये मेरी जॉब है भाई. माय जॉब, मेरी जॉब में कोई डाउट हो आपको, इन माय जॉब कोई डाउट हो, मैंने क्या कहा आपको, मेरी जॉब में कोई डाउट हो बच्चा जी, जॉब में कोई डाउट हो, ठीक है. मेरी जॉब क्या है बच्चा जी, यहां पर अब आपका एन ए डैश को पी बी डैश के बराबर प्रूव करना, जॉब है हमारी. ध्यान से देखो जो बड़ी ट्रायंगल में है, कौन सी, ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, इसमें ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चा जी, दोनों में ये साइड कॉमन है, ये साइड दोनों बराबर बताई अभी आपने, एंगल 90 के दोनों के, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट. अभी आपने कहा है ये और ये भाई डीपी और बी पी एन या पूरी लाइन एक ही होता है पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल आ गया, चेक करो ये एंगल आई है. और एक चीज इससे पहले काम और कर देता हूं मैं, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आई तो ट्रायंगल बी ए डैश, सॉरी बी ए ए ए डैश नहीं, बी ए ए डैश, बी ए ए डैश एंड एंगल बी ए ए डैश बराबर है एंगल बी ए डैश ए, चेक कर लो भाई, बी ए डैश ए, सॉरी बी डैश ए डैश ए, चेक कर लो भाई, सॉरी एंगल टोटल एंगल भी, सॉरी मैं गलत बना गया, टोटल एंगल, क्योंकि ये आर है, ये 90 माइनस आर है और ये फिर 90 90 हो गया. ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट, कोई डाउट हो बच्चा, क्योंकि इसके नॉर्मल ये है, इसके नॉर्मल ये, जब इनका एंगल आ रहा है तो ये एंगल भी आ रहा है, ठीक हो गया, कोई डाउट. देखो तो यहां से एक तो ये चीज आ गई कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ये तो आई है साथ साथ यहां से. अब ये बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल
में ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये एंगल बराबर ही एंगल आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, आराम से सुनना, मुझे एक तो लेनी ट्रायंगल पी एन ए डैश एंड ट्रायंगल, एक तो पी एन ए डैश ही मैंने और दूसरी ली है पी डी डैश ए डैश। चेक करो, इनमें चेक करो, दोनों की ये साइड बराबर है, कॉमन साइड है, इसका ये एंगल 90 का है, इसका ये एंगल 90 का है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है, ट्रायंगल एक कॉम्पोनेंट आ गई, सेम साइज की आ गई, तो यहां से क्या बन गया, चेक कर लो, यहां से बन गया आपका, क्योंकि ये कॉमन है ना बेटा, तो आपकी मर्जी जैसे मर्जी कर लो, एन ए डैश बराबर है पी डी डैश आ गया यहां से, एन ए डैश बराबर है पी डी डैश, चेक कर लो भैया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गई है तब तो साइज बराबर आ गया, और मैंने ये भी बता दिया, यही तो मैं पढ़कर आया हूं रे ऑप्टिक्स के अंदर, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो पढ़कर आया हूं मैं। तो मैंने यहां पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता दिया, और नंबर टू चेक करो, क्या मैंने कभी इसमें पूरी फिगर में ये कहा है कि ऐसे है करे, नहीं, सारी बोर्ड पे प्लॉट किए हैं, मींस द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल अलाइन इन द सेम प्लेन, दिस इज माय वेव थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे वेव थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़नी है, उसको भी पढ़ना है मुझे, मुझे वेव थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन को भी पढ़ना है, ठीक है बच्चा, देखते हैं। नेक्स्ट, वेव थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले मैंने बात की है आपके साथ रिफ्लेक्शन की, अब हम डिस्कस करेंगे वेव थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चा, इसको डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा कि मेरे पास अगेन ये एक सेपरेटिंग सरफेस है, ये मेरे पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस इज माय इंसिडेंट वेव, राइट, अगेन रे नंबर डाल दो इनको, वन टू और थ्री, नेमिंग भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेमिंग भी कर देंगे, नीचे अलग मीडियम ऊपर अलग मीडियम है, अभी ये तो सीधा यहां पर अभी आएगा, ये आ गया सीधा यहां पर, तो दिस इज कमिंग स्ट्रेट, राइट, ये तो सीधा नीचे आ रहा है, यहां पहुंच, दिस इज पॉइंट ए, ए को अंदर लिख रहा हूं मैं, चलो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहां पर आज क्या हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये नॉर्मल प्लॉट किया, आज ये थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा नीचे, क्योंकि मैं पढ़कर आया हूं मीडियम है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मुझे नहीं पता कब, लेकिन मैं तो डेंसर मांगी चल रहा हूं, वेलोसिटी कम हो गई है तो टेढ़ा हो गया। अब कहता है कोई बात नहीं, ये रिफ्रेक्ट हो गया, इसने अभी होना है, ये पॉइंट क्या है, ए है, इसको मान लो, क्या मानेंगे इसको, कुछ आपकी बच्चे जो मानना, मान लो इसको आप बी डैश मान लो, अब इसको यहां पहुंचने में कुछ टाइम लगा, वेलोसिटी ऊपर सपोज दिस है तो सी वन टी, सॉरी सॉरी उल्टा गलत काम कर दिया मैंने, कुछ टाइम लगा तो व्हाट इज द टाइम दैट विल बी, इसको ए मानो, ए डैश मानो, ए डैश टाइम लगा वेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी दैट विल बी बी ए डैश बाय सी वन टाइम लगा उसको, उतने टाइम में ही अंदर चला है, ये अंदर चला है, उतने टाइम में ही अंदर चला है, या डिस्टेंस निकाल दो, तो व्हाट इज ए बी डैश बराबर है सी टू टू, टाइम वही वाला रखा मैंने, और यहां पर कंपास रख के एक आर्क प्लॉट कर दी और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, कहता है ये आपका ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव, सॉरी ये रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है, मैंने कहा भी मैं इसको ट्रू नहीं मानता,
जब तक कोई बीच का पॉइंट ना यहां पहुंचे सेम टाइम पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा बीच का पॉइंट है और ये ऐसे निकाल दिया मैंने, ये मैंने ऐसे निकाल दिया और ये मैंने ऐसे निकाल दिया। दिस इज माई ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब मैं इनको थोड़ा साइडों में लिख लूं, जो क्यों चीजें बहुत सारी चीजें चाहिए, ये छोड़ना कुछ नहीं है मुझे। वॉट इज टी बी ए डैश बाय सी वन, और बी ए डैश बराबर है सी वन इंटू टी। वॉट इज ए बी डैश, ए बी डैश बराबर है सी टू इंटू टी। ये दोनों काम आएंगे अभी मेरे, ये कोई डॉक्टर बच्चा चेक कर, चेक कर लो बच्चा कोई डाउट। वही काम किया हमने, यहां से एक नॉर्मल प्लॉट किया। तो दिस इज योर पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज एन, दिस इज पॉइंट डी डैश। वही नेमिंग रखी, क्यों चेंज करनी नेमिंग मैंने। चले जी आगे। अब ऊपर ऊपर देखो, ये बड़ी ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों क्यों सिमिलर है भाई देखो। अब दोनों के एंगल ये 90 डिग्री के हैं, दोनों का एक एंगल कॉमन है, और ये एंगल दोनों के अभी आपने कहा पैरेलल, दोनों बराबर, तो ट्रायंगल सिमिलर आ गई। तो क्या आ गया ऊपर से, बी ए डैश डिवाइडेड बाय एन ए डैश बराबर है ए ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। इससे पहले हमने करना क्या वो देख लेते हैं, हमने क्या प्रूव करना है कि ये यहां सेम टाइम पे पहुंचा। मतलब मुझे ये प्रूव करना है बी ए डैश बाय सी वन इज इक्वल टू डी पी बाय सी वन प्लस पी डी डैश बाय सी टू, ये मुझे प्रूव करना है। व्हाट इज बी ए डैश, दैट इज बी एन प्लस एन ए डैश बाय सी वन इज इक्वल टू डी पी बाय सी वन प्लस पी डी डैश बाय सी टू। अब बी एन जो है वो बराबर डी पी, क्योंकि पैरेलल प्लॉट किए मैंने, ठीक है जी। तो बी एन डी पी काट दो, तो एन ए डैश बाय सी वन इज इक्वल टू पी डी डैश बाय सी टू, ये मुझे प्रूव करना है भाई, दिस इज माय जॉब। तो मैंने कहा ऊपर वाले ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, ये एंगल दोनों के 90 के हैं, ये एंगल दोनों के कॉमन है, ये एंगल दोनों के बराबर है, यहां से नजर आ रहा पैरेलल प्लॉट किए गए। और ये काम तो पीछे भी कर आया हूं मैं, सारा काम ये वाला तो पीछे भी कर आया हूं, ठीक है ना। लो जी अब नीचे आ जाते हैं, नीचे भी बड़े वाले ट्रायंगल छोटी सिमिलर है, देखो क्यों, ये एंगल दोनों के कॉमन है, ये एंगल दोनों के बराबर है और ये एंगल दोनों के 90 के। नीचे से ले लो, क्या बन जाएगा, पहले साइड करते हैं ए बी डैश बाय पी डी डैश बराबर है ए ए डैश बाय ए डैश पी। ये दोनों की बराबर आ रही है, ये साइड बराबर कर दो, तो क्या बन जाएगा बी ए डैश बाय एन ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश बाय पी डी डैश। उल्टा कर लो, एन ए डैश बाय बी ए डैश बराबर है पी डी डैश बराबर डिवाइडेड बाय ए बी डैश, और एन ए डैश बी ए डैश सी वन डी बराबर है पी डी डैश ए बी डैश दैट इज योर सी टू टी। टी कट गया बच्चा जी, तो यहां से आ गया एन ए डैश बाय सी वन बराबर है पी डी डैश बाय सी टू। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब ये एंगल आई है तो ये एंगल आई थी तो ये एंगल भी आई होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल भी आ रहा होगा, तो बड़े लखन है, चेक कर लो बच्चा जी। व्हाट इज साइन आई, इसको यहां करता हूं ऊपर वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय, हां जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देख लो। तो बी ए डैश बाय ए ए डैश बी ए डैश बाय ए ए डैश, व्हाट इज साइन आर नीचे वाले ट्रायंगल में ए बी डैश बाय ए ए डैश ए बी डैश बाय ए ए डैश, दोनों को डिवाइड कर दो। व्हाट इज, या वही करते हैं ऊपर ही करते हैं,
व्हाट इज साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बी ए डैश नीचे घट जाएंगे दोनों की अपॉन ए बी डैश. व्हाट इज बी ए डैश सी वन टी डिवाइडेड बाय सी टू टू टी. क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. चेक करो बच्चा जी. तो यहां से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई हो रहे हैं वेव थ्योरी से ही. चेक करो यहां से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई हो रहे हैं आपके. चेक करो बच्चा जी. कोई डाउट? तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ दिए कि यहां बिल्कुल वेल एप्लीकेबल है ये थ्योरी जो आपको हाइजेंस ने दी थी. आगे चले थोड़ा सा और देखते हैं इसी थ्योरी के अंदर. अभी नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ लेंस कॉमा प्रिज्म एंड मिरर टूवर्ड्स प्लेन वेवफ्रंट. कि अगर इनके ऊपर कोई प्लेन वेवफ्रंट आएगा तो उसको ये कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं वो बात करनी है. अगर हम प्रिज्म की बात करें बच्चा, ये प्रिज्म है, दिस इज माय प्रिज्म. तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले. ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, दिस इज प्लेन वेव, राइट. ये तो टच कर गया बॉटम ऑफ फेस पे, ये तो सारा प्रिज्म में से चलेगा. ये अभी एयर में से है तो टाइम ज्यादा लगेगा इसको. ये अभी पहले एयर में है फिर अभी एयर में आएगा, ये इसमें से है. तो इसने क्या किया, ऐसे बेंड कर लिया अपने आप को और डॉटेड बनाया मैंने. इसके बाद ही मेरा सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है और ये वाई है. यहां क्या होगा बच्चा, एक्स ए प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय लाइट स्पीड इन एयर, क्योंकि सारा एयर में से, लाइट स्पीड इन एयर is equal to bc divided by light speed in a prism, right? ये हम पढ़ चुके हैं कि टाइम सेम लगता है. अगर ये सीधा जाता तो वेवफ्रंट की शेप, क्योंकि वेवफ्रंट को याद तो देखो आपने पढ़ा है, या तो वो प्लेन होगा या स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा. अगर ये सीधा चला जाता तो वेवफ्रंट कौन सा बन रहा था, ये तो यहां से निकल के आता कौन सा बन रहा था, ये वहां पहुंच गया, ये भी यहीं पहुंचा, ये कहीं और पहुंच गया. तो दिस इज नॉट इट, उसकी तो सारा डिस्टेंस ही चेंज हो गया, सारा सिस्टम ही चेंज हो गया. क्योंकि प्लेन का अगर प्लेन आएगा तो एज इट इज वापस आएगा. प्लेन का स्फेरिकल बन सकता है, प्लेन का सिलेंड्रिकल बन सकता है, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी नहीं थी. तो उसने किया था प्लेन का प्लेन रखा तो लाइट की बेंडिंग होगी इसलिए. नेक्स्ट एक और देखते, ये मेरे पास एक लेंस है, ठीक है. अगेन ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, this is axis, this is plane wave front, ठीक है, this is plane wave front. This point is, चलो ये point A है बच्चा जी, ये point B है, right? ये तो touch कर गया, अभी इसको ये air में चलेगा और ये भी air में चलेगा, ये medium में से चल रहा है, ठीक हो गया, देख लो बच्चा. This is my plane wave front. नाम दे दो plane wave front को, x y wave front आ रहा है भाई. अब x a कहां से है, एयर में से है, ये तो भी एयर में चलेगा जहां भी चलेगा, ठीक है ना, ये मीडियम में से है. अब ध्यान से सुनो, अगर ये मीडियम, ये तो आगे तो क्या ये प्लेन का प्लेन रह सकता है, नहीं. अब यहां शेप चेंज होगी, शेप चेंज तो होनी होनी है यहां पर. अब क्या होगा, ये थोड़ा सा अपने आप को नीचे को बेंड करेगा, ये भी नीचे को बेंड करेगा जैसे ये बाहर आएगा. अब ये इस स्फेरिकल वेवफ्रंट का पार्ट बन जाएंगे और तभी ये जो आपका है यहां पर ये फोकस हो जाता है इस पॉइंट पे जाके. ये सीधा चला गया, ये बेंड हो किधर आ गया, इस मींस आपका प्लेन वेवफ्रंट स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया है.
मैंने कहा कन्वर्स रहोगी तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में होगी, अभी मैंने कहा आपसे, ठीक है जी। अगेन एक और बात कर लेते हैं, चलो वही लेंस है आपका, मैंने क्या कहा वही लेंस है आपका। अब यहां पर क्या था, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा था, राइट। वो कैसे बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, कैसा बनेगा जी, ऐसे ही बनेगा, सॉरी सॉरी उल्टा बनेगा, सॉरी सॉरी उल्टा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा था ऐसे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तो पढ़ा मैंने, क्योंकि ये टेढ़ा चल रहा है, इसको टॉप टू टॉप बना लो, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल, ऐसे बना लो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल टॉप टू टॉप, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये सीधा जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका जैसे ही यहां पर टच किया, यहां एक यहां पर टच किया, ये मीडियम में से चल रहा है, ये अभी एयर में से है, ये इसको टाइम सफिशिएंट, मतलब इधर टाइम में इतना डिस्टेंस चला जाएगा, ऑब्लिक वाला भी कवर कर गया और ये प्लेन वाला भी कवर कर गया, तब ये कैसे कन्वर्ट हो गया, तभी तो हम पढ़ कर आए हैं कि अगर आप फोकस पे रखते हो तो वो क्या बन जाता है, फोकस क्यों वर्ड लगाया था मैंने, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का सेंटर था बेसिकली, क्या बन जाएगा प्लेन, लेंस का समझ आ गया। अब मुझे मिरर की बात करनी है, मान लो मिरर है मेरे पास, एक मिरर है, यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज प्लेन, तो क्या पढ़कर आए हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट से लाइट आएगी ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, यही पढ़कर आए हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे हो गया, तो ये क्या बन जाता है बच्चा जी, ये हाँ जी ये एक प्लेन से सिलेंड्रिकल बन जाता है, ये यहां पर ये फोकस हो जाती है, इन द सेम वे अगर मेरे पास कोई अगेन मिरर है और मैंने क्या किया स्फेरिकल वेव फ्रंट से रेज निकाल रहा हूं मैं, इसके अंदर ऐसे जाएंगी ये गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल से प्लेन बन जाता है और प्लेन से स्फेरिकल। अभी तक हम ये बातें सिर्फ एक सिंगल रे की फॉर्म में, पीछे रे ऑप्टिक्स में पढ़ी है सारी बातें मैंने, कि पैरेलल बीम को वो फोकस पे कन्वर्ज करता है, अपना फोकस पे होगी तो वो पैरेलल बना देगा, यहां पर भी पैरेलल को फोकस करता है, फोकस पैरेलल बना देगा, बेसिकली ये रीजन था वहां पर भी। तो जो रे ऑप्टिक्स मैंने पढ़ी है पीछे, दैट इज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, लेकिन उसको मुझे पहले ही पढ़ना था क्योंकि वो रे ऑप्टिक्स में जल्दी समझ आती है, मैंने पहले पढ़ लिया उसको, वहां तक मैंने कोई बिल्कुल भी बात की कि वेव नेचर कैसा होता है, बिल्कुल बात नहीं की मैंने आपसे, सीधी सारी स्टेप पढ़ी है। तो आज हमने बिल्कुल सिंपल सा काम किया है, एक तो ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज योर हाइजन प्रिंसिपल और वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में कैसे लगते हैं, ये मैंने बात की है, बाकी इसको फिर कल एडवांसमेंट करेंगे इस लेक्चर की। थैंक यू वेरी मच।